नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत और मैं इस चैनल पर रोजाना किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। सुबह 9 बजे हिंदी में और शाम को 6 बजे अंग्रेजी में। तो आज की ये वीडियो है किताबों को पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो किताबें पढ़ना चाहते हैं पर किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताब उठाते ही नींद आ जाती है या फिर किताब उठाने का मन ही नहीं करता। तो क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे पास ऐसी 5 टिप्स हैं जिससे आपको किताबें पढ़ने की आदत जल्दी और आसानी से डल जाएगी। पहली टिप, वो भाषा में किताबें पढ़ें जो आपको आती हो। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी में ही किताबें पढ़नी है, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में किताबें पढ़िए। और कई सारी अंग्रेजी किताबें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो क्या ज़रूरत है आपको अंग्रेजी में पढ़ने की? तो कभी भी ये कोशिश नहीं करें कि जब आप शुरुआत कर रहे हों किताबों के साथ तो कभी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको ऐसी भाषा में पढ़ना पड़े जो आपको अच्छे से नहीं आती है या जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो पहले हिंदी से शुरू करें, अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, अंग्रेजी अच्छे से आती है तो अंग्रेजी से शुरू करें। नंबर 2, ऐसा जॉनरा उठाएं जो आपको अच्छा लगता हो। जॉनरा क्या होता है? जॉनरा जैसे अगर कोई किताब हॉरर है या रोमांस है या रोमांचक थ्रिलर है। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो देखें कि आपको कैसी कहानियां अच्छी लगती हैं। क्या आपको प्यार भरी कहानियां अच्छी लगती हैं या फिर आपको मर्डर मिस्ट्री अच्छी लगती हैं या कैसी कहानियां अच्छी लगती हैं, उस हिसाब से किताबें उठाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि फिक्शन अभी नहीं पढ़नी है, ये कहानियां पढ़ के क्या करूंगा, तो आप नॉन फिक्शन भी उठा सकते हैं। आप ऐसे सब्जेक्ट उठाएं जो आपको अच्छे लगते हों, या तो आप कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी उठा सकते हैं, आप भारतीय हिस्ट्री या कहीं की भी हिस्ट्री के बारे में किताबें पढ़ सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए आपको खुद पर कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, जो आपको लगता है कि आपको अच्छी लगेगी बस वो उठाएं। नंबर 3, एक बार में 10 से 20 पेजेस ही पढ़ें। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो अगर आप कोशिश करेंगे कि अरे मैं तो एक दिन में पूरी किताब ख़त्म कर दूंगा, तो हो सकता है आप कर लें, लेकिन आप पर जो प्रेशर आएगा उससे आपका मन नहीं करेगा किताबें पढ़ने का उसके बाद। तो आप कोशिश करें कि रोज़ की 10-10 पेजेस पढ़ें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आदत पढ़ने लग जाएगी। अगर आप रोज़ के 10 पेज पढ़ेंगे 30 दिन तक, आपको किताबें पढ़ने की आदत तो पक्का डल जाएगी। तो ऐसा करें। और मेरी आखिरी टिप जो है आपको किताबें पढ़ने की आदत डालने के लिए, वो ये है कि आप जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनसे बातें करिए। अब जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ किताबों के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप और लोगों से बात कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही किताबें पढ़ने वाले लोगों के साथ सोशलाइज करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके टच में रहेंगे, तो आपका जो मन है वो किताबें पढ़ने की तरफ ही दौड़ता रहेगा। हालांकि अगर आप इससे उल्टे लोगों के साथ बात करेंगे तो आपका मन उधर ही जाएगा कि घूम लूँ, टीवी देख लूँ, ये सब। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस संगति में रह रहे हैं और आपको उसको बदलना होगा ताकि आपको किताबें पढ़ने की आदत डल जाए। तो ये थी मेरी 4 टिप्स जिससे आप किताबें पढ़ने की आदत आसानी से डाल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपका मन है कि मैं किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं जो किताबें पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद हो सके। और देख लीजिएगा कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करा हो और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर रोज 9 बजे और 6 बजे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप मेरी वीडियोस देख पाएं। शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए। मैं हूं मनप्रीत, जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी।